नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस में उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका को रद्द कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से फटकार लगाते हुए सवाल पूछा है कि क्या देशमुख को बचाना चाहती है महाविकास अघाड़ी सरकार। तो वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपों के सभी पहलुओं की जांच होना बेहद जरूरी है। सीबीआई के आरोपों से बचने के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जी हां, एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की ओर से पुलिस कर्मियों के तबादले, तैनाती के आरोपों की सीबीआई जांच न कराने को लेकर मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। दरअसल एंटिलिया केस सामने आने के बाद से ही कई खुलासे लगातार सामने आए थे और कई खुलासों के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अनिल देशमुख के खिलाफ ट्रांसफर रैकेट को लेकर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपों के आधार पर सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एफआईआर की कॉपी में देशमुख के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार यानी कि महाराष्ट्र की सरकार की ओर से सीबीआई की जांच से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी और साथ ही साथ एफआईआर से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली को लेकर संबंधित जो दो पैराग्राफ पर जो आरोप लगाए गए थे सीबीआई की ओर से, उन्हें भी हटाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर आज साफ तौर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। जी हां, साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा है कि अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है और इसीलिए एसएलपी को खारिज किया जाता है। जी हां, इसके अलावा कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पर कहा कि राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर करने का मतलब ऐसा लगता है कि वो अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो मुंबई हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहती है और इसीलिए याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार से तौर पर कई लिहाज से सवाल भी पूछे और सवाल पूछते हुए कहा गया कि आपको एक पूर्ण और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए थी, लेकिन क्या इस पर कठिनाई है? जांच राज्य के खिलाफ नहीं है बल्कि ये पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की जा रही है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो सीबीआई की जांच के आदेश देने वाले संवैधानिक निर्देश को कमजोर नहीं कर सकती जिस पर जांच की जानी चाहिए। वहीं सीबीआई को आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए और हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक अदालत की शक्तियों को नकारने जैसा होगा। तो साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा है कि यह धारणा लगातार बनाई जा रही है कि राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादलों और तैनाती तथा अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की बहाली के पहलुओं पर जांच की अनुमति नहीं देकर पूर्व गृह मंत्री को बचाने की कोशिश हालांकि कर रहा है। ये सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि कौन सी राज्य सरकारें सीबीआई जांच का आदेश देंगी जब आरोप उनके खुद के गृह मंत्री या फिर किसी अन्य मंत्री के खिलाफ लगा हो। वो अदालत है जिसे जांच का आदेश देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा और उच्च न्यायालय ने वही किया है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख और महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को शेयर करने से इस पर इनकार किया था और बार बार लगातार महाराष्ट्र की सरकार की ओर से सीबीआई को परेशान करने का काम किया जा रहा था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट
कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चुनौती सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सीबीआई को एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने 22 जुलाई को दरअसल ये कहा था कि अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों की सांठगांठ का पता लगाने के लिए सीबीआई मुंबई पुलिस बल में पुलिस कर्मियों के तबादले और तैनाती व तमाम जो आरोप लगे थे कि वादे की बहाली के मामले में गौर कर सकती है, जिसके बाद से ही जांच की आज से बचने के लिए महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख की ओर से तरह तरह के पैंतरे इस्तेमाल करने का काम हालांकि किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से महा विकास अघाड़ी सरकार को बड़ी फटकार लगी है। यानी कि अब तक जो सीबीआई जो आरोप लगातार अनिल देशमुख पर लगा रही थी, इन पूरे मामलों के दस्तावेज महाराष्ट्र की सरकार को उन्हें सौंपने होंगे और इस पूरी जांच में सहयोग करने का काम महा विकास अघाड़ी सरकार को करना होगा, जिसके बाद निश्चित तौर पर तय माना जा रहा है कि अब सीबीआई अगर इस पूरे मामले की जांच तह तक करेगी तो कई ऐसे बड़े बड़े नाम जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर छिपकर बैठे हैं उनके नाम भी सामने आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ईडी भी इस पूरे मामले पर जांचबीन करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार अनिल देशमुख ईडी की भी जांच से बचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लगातार ईडी की ओर से समन भेजने के बावजूद भी देशमुख इसे अनदेखा करते दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में जब आज पांचवी बार ईडी की ओर से नोटिस भेजा गया तब भी देशमुख प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। उनकी जगह उनके वकील इंद्रपाल सिंह ने ईडी के सामने उनका पक्ष रखा। हालांकि देशमुख के वकील ने एक बार फिर से दलील देते हुए दिखाई पड़े हैं कि मामला अदालत में लंबित होने की बात कहकर वो बहाना बनाकर लगातार ईडी की जांच में ईडी के सामने पेश होने से हालांकि मना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले जो बड़े बड़े खुलासे अनिल देशमुख के खिलाफ लगातार ईडी कर चुकी है, क्योंकि इसके पहले तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ईडी की टीम लगातार अनिल देशमुख के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिससे घबराते हुए जिससे डरकर अनिल देशमुख अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं गुमराह हो गए थे। लेकिन दरअसल जिस तरीके से महा विकास अघाड़ी सरकार के ये मंत्री जो पूर्व मंत्री बार बार जांच से बचने के लिए लगातार इधर उधर भागने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब इन पर नकेल कसने जारी है और इसी पूरे मामले को लेकर हालांकि सीबीआई जांच से बचने की हालांकि जो वो कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार तो लगाई है, तो वहीं जो ईडी की जांच से बचने का लगातार अनिल देशमुख प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब इसको लेकर भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज एक बार फिर से जिस तरीके से पांचवी बार समन भेजने के बाद अनिल देशमुख ईडी की पेशी में साफ तौर पर सामने पेश नहीं हुए हैं, हालांकि देशमुख के वकील हर बार की तरह दलील देते हुए दिखाई पड़े हैं कि जब तक हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक हम पेश नहीं, हमें पेश होने में बाध्य ना करें, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद देशमुख ईडी के सामने खुद को हाजिर करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि ये बातें पहले भी कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट की भी ओर से हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अनिल देशमुख को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन लगातार सिर्फ और सिर्फ जांच की आग से बचने के लिए महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्री और अनिल देशमुख लगातार इसमें आनाकानी करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सामने आए हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर अनिल देशमुख ने गलत तरीके से गलत दस्तावेज बनाकर किस तरीके से पैसों का लेन देन किया है, ये भी सामने आया था, और किस तरीके से हाल ही में ईडी की टीम ने अनिल देशमुख के पैतृक घर में छापेमारी की थी, जिसको लेकर अलग अलग जगह पर उनकी संपत्ति को भी जब्त किया गया था। 4 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अनिल देशमुख की हालांकि जब्त की गई थी, लेकिन तमाम खुलासे अनिल देशमुख के अब सामने एक के बाद आ रहे हैं, एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार महा विकास अघाड़ी के मुखिया यानी कि उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे को लगा है, आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी और जिस तरीके से बड़े बड़े नाम अब तक सामने आ रहे थे, फिर चाहे वो अनिल परब का नाम हो, फिर चाहे वो अन्य ऐसे कैबिनेट मंत्रियों का नाम हो जो किस तरीके से अब तक अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में वसूली करते हुए दिखाई पड़े थे, उन सब पर अब शिकंजा कसा जाएगा और अब जिस तरीके से
सीबीआई को जांच करने के पूरे आदेश खुले तौर पर दे दिए हैं। ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार महा विकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे से लेकर अब अनिल परब से लेकर अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसको लेकर आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सख्त आदेश दे दिए हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश ना करे, बल्कि इस पूरे मामले में जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाए हैं उस पर जांच को लेकर सहयोग किया जाए, और जो महाराष्ट्र की सरकार अपने मंत्री को बचाने की कोशिश में लगी हुई है इसको लेकर भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जरूरी है और आरोपों के सभी पहलुओं की जांच जरूरी है। तो साफ तौर पर यह आदेश के बाद अब महा विकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उद्धव ठाकरे के साथ अनिल देशमुख को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।